क्या अलग अलग पिचेस से रियाज करने से वॉइस रेंज बढ़ती है? ये एक सवाल है। क्या हाई पिच से रियाज करेंगे तो वॉइस रेंज बढ़ जाएगी, या लो पिच से रियाज करेंगे तो क्या हमारे खरज का इम्प्रूवमेंट होगा, मंद्र सप्तक में हमारा आवाज़ में बेस आ जाएगा? पिच को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि कौन से पिच से रियाज करेंगे तो वॉइस रेंज पर क्या असर आएगा। इस वीडियो में पूरा अगर देखेंगे तो वॉइस रेंज का मतलब और कौन से पिच से रियाज करने से वॉइस रेंज बढ़ती है, या क्या अलग अलग पिचेस का रियाज करने से आपकी हाई रेंज और लो रेंज बढ़ेगी या नहीं, उस पर चर्चा की जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाओ, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाओ, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। सबसे पहले तो मैंने कई बार बोला है कि पिच जो है आपकी आवाज़ की टोन अनुसार होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक निश्चित पिच हो गया, कि एक सिंगर का एक ही पिच है कि वहीं से अब वो रियाज करेगा या वहीं से गाएगा बजाएगा। नहीं, हर गीत आप एक ही पिच से गाएं ये भी नहीं ज़रूरी होता है, ये भी मैं पहले बता ही चुका हूँ। आपकी आवाज़ की वॉइस रेंज, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन की उसकी रेंज, उन दोनों को मिलाकर उन दोनों का एक कॉमन आपका पिच निकलता है कि भाई मेरा इस सुर तक आवाज़ जा सकती है और गाने की धुन जो है वो इससे दो सुर आगे जा रही है, तो मैं इस गाने का जो ओवरऑल पिच है यानी रूट नोट जो सा है उसको दो पिच यानी दो सुर नीचे से शुरू करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो दो सुर मेरे ऊपर पड़ रहे थे वो मेरे ही खाके में आ गए। अगर आपका इतना सा खाका है वॉइस रेंज का और गाने का इतना बड़ा जा रहा है या यहाँ जा रहा है तो आपने फिट करके यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, इस पर सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बात वो ये है कि क्या अलग अलग पिच से वाकई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अब अलग अलग पिच से कैसे होता है रियाज, एक बार उसका छोटा सा ग्लिम्प्स। पहली काली से शुरू करेंगे, बिलावल थाट में सी शार्प से। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब आधा नोट चढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी यानी दूसरी सफेद। सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा डी शार्प। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। आधा सुर और सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। आपने देखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ पिच में एक के बाद एक आपको गा के सुना दिया। अब यही नीचे भी उतरेंगे तो सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। 12 के 12 पिच मैंने आपको अभी गाकर सुना दिए अलग अलग जगह से। क्या इस तरह से रियाज करने से वॉइस रेंज बढ़ती है या नहीं? अब यही चीज़ आप चाहें तो तानपुरे पर भी कर सकते हैं,
मगर तानपुरे पर करने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि वहाँ सुर तो एक ही चल रहा है आपका, जैसे अभी पहली गाली चल रहा है सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इस तरह से भी किया जा सकता है तानपुरे पर भी, हारमोनियम पर भी। तानपुरे पर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ सहारे के लिए सिर्फ एक सुर मिल रहा है और उसी एक ही सुर पे आप बाकी के पूरे पिच जो हैं बदले जा रहे हैं, और जैसे ही पिच बदलते हैं तो जो सुर बज रहा है उसका अपने अगले पिच से जो रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है हर बार सेट हो, है ना। यहाँ पहली काली लगाया तो चौथी से गाओगे तो रिलेशन सेट हो जाएगा। सामो का आपका जो है ग्राम बनता है, ग्राम मूर्छना का जो संवाद होता है वो एक अलग टॉपिक है शास्त्रीय संगीत का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हारमोनी समझ लीजिए आप कुल मिला के वो बन जाती है। लेकिन आप सा पहली काली का लगा रहे हैं और गले से डी से गा रहे हैं दूसरे सफ़ेद से, तो ये थोड़ा मुश्किल है। खैर, ये इस तरह का रियाज करने से क्या गले में रेंज आती है, ये हमारा मुख्य सवाल है। तो इसलिए मैंने करके बताया कि उमूमन कैसे करते हैं लोग, अगर इस तरह से करते हैं तो क्या इसमें रेंज बढ़ती है या नहीं। देखिए, रेंज बढ़ने के लिए ऐसे भी बढ़ जाती है लोगों की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे बढ़े ही बढ़े। ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे से राग गायकी करते हैं, जो अच्छे से अलंकार गाते हैं अलग अलग पिच में ऑलरेडी। वरना वॉइस रेंज की एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी। आइए सबसे पहले तो वॉइस रेंज पर दोबारा से बात कर लेते हैं। हर बार मैं बात करता हूँ, पिछली बार भी मैंने जब वॉइस रेंज पर वीडियो दिया होगा तो बताया ही होगा उसमें कि वॉइस रेंज का मतलब खरज भी और तार भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ खरज या सिर्फ तार, यानी लो सप्तक का रियाज करेंगे, लो पिच से रियाज करेंगे तो खरज डेवलप हो जाएगा तो तार खत्म हो जाएगा। हाई पिच के सप्तक का रियाज करेंगे तो लो खत्म हो जाएगा, हाई बन जाएगा। ये दिक्कत आती है गले में, इम्बैलेंस या अनबैलेंस डेवलप हो जाता है कि आप नीचे और ऊपर बराबर नहीं रह पाते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसा पिच चुनेंगे, जैसे कि अगर पहली काली चुना है तो नीचे प तक जा रहा है और ऊपर प तक जा रहा है, ऐसा पिच चुना जहां दो सप्तक की रेंज बन रही है, एक पूर्ण और एक आधा आधा, तो ये आपका दो सप्तक की रेंज बन गई, है ना, आवाज़ आपकी ऊपर नीचे बन गई। अब इसी में धीरे धीरे एक एक सुर अगर आप लगाते हैं तो वॉइस रेंज आपकी डेवलप होती है। कैसे? सा पूरा सुर भैरव थाट में सवेरे सवेरे करेंगे, नी सा, पूरी पूरी सांस देनी है, अभी जल्दी मैं करके बता रहा हूं मैं आपको, रे फिर से सा सा भैरव मतलब रे और ध कोमल, तो रे ध कोमल लगेगा तो मध्य में भी कोमल ही लगेगा, खरज में भी कोमल ही लगेगा, तार में भी कोमल ही लगेगा। फिर नी ध नी सा कि आपने देखा एक सुर में नीचे उतर रहा हूं, एक सुर में ऊपर चढ़ रहा हूं। इस तरह से आप रियाज अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपका सप्तक ऐसे ऐसे खुलेगा। अब इसमें क्या होगा, जब शुरुआत में सवेरे सवेरे करेंगे तो लोगों का सवाल आता है कि सवेरे अगर खरज का नहीं करें और सीधा तार सप्तक का रियाज करें तो गला खराब होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो मैंने पहले भी बताया, अगर वार्म अप कर रखा है आपने, यानी ओमकार लगा लिया, सा लगा लिया, तो आधा पौन घंटा हो चुका है, उसके बाद आप धीरे धीरे वैसे भी एक एक सुर अगर खोल रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीधा ही तार सप्तक पे जा रहे हैं। अभी मैंने खोल के बताया ना कि एक सुर पहले मध्य है, फिर नीचे खरज उतरे, फिर ऊपर रे गए, फिर ध आए, फिर ग गए, और ये भी ग गए तो धनी सारे ग ऐसे गए हैं, तो एक एक करके वैसे भी सुर खोल रहा है, तो तार सप्तक सीधा नहीं लग रहा है, वार्म अप के साथ ही लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप सवेरे तार सप्तक भी जाते हैं तो। लेकिन वो एक वक्फे के बाद है, एक टाइम पीरियड के बाद आप तार सप्तक जा रहे हैं, बैठते ही तार सप्तक नहीं लगा रहे हैं।
अब जो पिछली मैंने टेक्निक बताई, जो अभी मैंने करके बताया था कि अलग अलग पिच से अगर आप रियाज करते हैं, अब वो अलग अलग पिच से गाने के लिए अगर बजाना भी है तो हारमोनियम पर भी कमांड चाहिए भाई। अब वो कमांड कैसे डेवलप होगा, एक लाइन है वो याद कर लीजिए, सा, फिर आता है कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। ये 12 सुर का सीक्वेंस हर पिच से बनता है। जैसे ये अपन ने पहली काली से निकाला, ये दूसरी काली से निकालोगे तब भी यही है, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। तो अब इसमें से अपने शुद्ध शुद्ध सुर चुन के अगर बजाएं तो सा रे ग म प ध नी सा। तो इस तरह से आप अपने दूसरे पिच से भी गा बजा सकते हैं। अगर तानपुरे पर करते हैं तो भैया और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या उससे रेंज बढ़ती है या नहीं, उसका जो जवाब है वो इतना सा है कि होता है, कभी कभार बढ़ती भी है, लेकिन शुरुआती स्टेज में मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है वो, है ना। क्योंकि वो स्वाभाविक बात है ना, जब तक आपको सुर की समझ नहीं हुई आप कैसे दूसरा पिच जो है तुरंत आप बदल लोगे, है ना। यहाँ अगर मैं आपको कहता हूँ एक के बाद एक थाट बदल के गाओ तो वो मुश्किल आ जाती है। जैसे कि सा सा रे ग म प ध नी सा सा नि र प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा सा नि ध प म ग रे सा। ये पहले बिलावल फिर भैरवी, सा रे ग म प ध नी सा सा नि र प म ग रे सा, बिना बजाए एक के बाद एक थाट बदल रहा हूँ। ये कल्याण था, सा रे ग म प ध नी सा सा नि ध प म ग रे सा, भैरव था, सा रे ग म प ध नी सा सा नि ध प म ग रे सा। ये आपका खमाज, सा ये काफी था, सा रे ग म प ध नी सा सा नि ध प म ग रे सा, ये खमाज था। तो इस तरह से एक एक करके अगर तानपुरे पर करने जाओ तो थोड़ी सी मुश्किल आती है कि कैसे कहाँ कोमल से शिफ्ट करना है तीव्र पर, तीव्र से शिफ्ट करना है दोबारा शुद्ध पर, और हारमोनियम पर अगर बजाना हो तो वो तो मैंने पैटर्न आपको बता ही दिया है। बगैर हारमोनियम के करना थोड़ा सा मुश्किल है, हारमोनियम के साथ करके उसके बाद आप तानपुरे पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो अलग पिच का करना है तो कैसे करना है वो भी बता दिया अगर करना चाहो तो, और नहीं तो शुरुआती जो वॉइस रेंज की टेक्निक है वो भी बता चुका हूं कि एक एक सुर को पहले नी, फिर सा, फिर रे, फिर सा, नी ध नी सा रे ग रे सा नी ध प, ऐसे करते जाओगे धीरे धीरे जहाँ तक जाती है। नीचे अगर ग तक जा रहा है तो हमेशा ग छूकर फिर एक सुर आगे बढ़ाए, ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी, ग तक आए, जैसे ग तक गए, ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे रे सा नी ध प म ग रे सा नी, है ना। इस तरह से भी एक एक सुर करके फिर आप बढ़ जाओगे, और ये स्लो करना है, टिके हुए सुर में अगर करोगे तो आपका सुर टिकेगा वहां पर और आपकी वॉइस रेंज बनेगी, ठीक है, सीधी सी बात होती है। वरना वॉइस रेंज को तो आप ये कह लें कि वहां पे छूकर अगर आना है तो वो बात अलग होती है, और उस सुर पर टिकना वो बात अलग होती है, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से मैं और भी कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स लाता रहूंगा, बातें आपको बताता रहूंगा। अगर आपको काम आती हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, सबके मदद हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया।